हाय दोस्तों, आप सभी को तहे दिल से बहुत ही नमस्कार। तो साथियों, आज इनकी वीडियो मुझे पहली बार देख रहा हूँ। मैं बता दूं, ये मेरे भाई साहब है, मेरी मम्मी है, मेरी भाभी जी। एक्चुअली मैं बाहर रहता था तो था नहीं। आज बहुत ही खुशी के दिन है, आप सबके आशीर्वाद से ये लोग जा रहे हैं, आज बाइक लाने वाले हैं, वो सभी आपके आशीर्वाद और प्यार से होगा। तो वीडियो में पूरा दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। एक मिनट का भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो भाई साहब हमारे जाने वाले हैं बाइक लेके आने के लिए। मेरे साथ अंकिता भी रेडी है जाने के लिए, हम दोनों जाएंगे बाइक लेने के लिए। तो दोस्तों हमारे वीडियो में आप बने रहिए, अभी बाइक लाके हम आपको दिखाते हैं हमारी बाइक कैसी है। तो साथियों, वेट नहीं होता है जिसका इंतजार था, चलिए आपको देर ना करते हुए सब दिखाते हैं। अभी भाई बाइक लेके आ रहे हैं, अभी आपको बाइक दिखाते हैं, शानदार बाइक है वो। देखिए दोस्तों आने वाले हैं, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो हमारी शानदार बाइक आ गई है, देखो भाई ये शानदार बाइक आ चुकी है। अब आपको ये लगता होगा कि थंबल में हमने क्या दिखाया था, तो सो हाँ मैंने दिखाया था थंबल में आपको वही। लेकिन हम लोगों की अभी इतना कमाई नहीं है कि एक नई बाइक अच्छी बाइक ले सकें, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आप सबका सपोर्ट और प्यार बना रहा तो इससे भी अच्छी बाइक आएगी। तो दोस्तों सब इनसे मिलते हैं, चलिए आपको आने देते हैं घर में, आ जाइए। बाइक आ गई है, लोग बहुत खुश हैं, ये सब यूट्यूब की कमाई से है, सबके आप सबके आशीर्वाद से हुआ है। बाइक को देखो घर में ला रहे हैं, है ना, तो बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों यार। भाई कुछ ना हो लेकिन मेहनत की कमाई और डॉलर की कमाई में अलग ही फर्क होता है भाई, एक बात जान लो, है ना। देखो ये बाइक देखो भाई, आप सबके आशीर्वाद से आया ये बाइक, समझे। जितने भी फॉलोअर्स है आपको बहुत बहुत थैंक यू भाई, कि आप सबकी कमाई की वजह से ये सब हो पाया। बाकी आज के समय में नौकरी से देख ही रहे हो, नौकरी से क्या मिल पाता है। एक बाइक लेने के लिए भाई एक साल तक इंतजार करना पड़ता है, हाँ वो भी घर में कोई बीमार ना पड़े तो तब एक बाइक ले पाओ। लेकिन आज सोशल मीडिया कैसा प्लेटफॉर्म बन चुका है भाइयों, जहाँ से हम अपने सारे सपने को पूरा कर सकते हैं, वो भी अपने भरोसे पर। और आप सबका आशीर्वाद रहा तो भाइयों जो थंबल पे लगा है वो भी बाइक आएगी। तो भाइयों फाइनली नई नवेली दुल्हन का देख लीजिए, सिंगार पटार होना शुरू हो गया है, यानी कि चंदन लगता है ना कोई गरीबों के यहाँ। भाई ऐसा ही होता है, जब कोई भी नया चीज आता है तो एक बार मंदिर में जाते हैं, लेकिन यहाँ घर पे ही मंदिर हम लोग में प्रसाद ले आ लिए हैं और इसका चंदन वंदन हो रहा है। देखिए जी हमारी महात्मी जी हैं जो इसका श्रृंगार फटार कर रही हैं, यानी कि इसका पूजा टिक टाक लगा रही हैं। देखिए ये सब खड़े हुए हैं, भाई जी हैं, अंकिता हैं और ये भाभी जी हैं, देखिए बच्चे को लेकर खड़ी हुई। आज ही बहुत ही खुशी का दिन है भाई, लेकिन एक यूट्यूब को पैसों से बाइक लेना अलग ही बात है, हाँ। तो बहुत ही खुशी का दिन, भाई से पूछते हैं, भाई साहब आपको कैसे लगा बताइए, आप बाइक लेके आए हो। बहुत अच्छा लगा आज भाई, हम अपने मुन्नू वास्ते बाइक लाए इनको घुमाने वास्ते। अच्छा अच्छा, तो चलो अंकिता के भाई से पूछते हैं, भाई तो बोलेगा नहीं सो रहा है, चलो अंकिता से पूछते हैं। अंकिता बाइक आ गई, पापा तुम्हारे बाइक ला गए, तुमको कैसे लगा। अंकिता को भाई बहुत अच्छा लगा बाइक आके। किस भाई किस पैसों से आया है, करते रहिए। तो हम जिस जो आपने थंबनेल में देखा है वो हम बाइक नवी लाए, सपोर्ट करते रहिए। तो आप सबके लिए मैं लाया हूँ ये लड्डू, तो आप लोग भी ये लड्डू का बहुत ही बदौलत ही हमें ये बाइक मिली है आज। तो दोस्तों मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरे परिवार वाले खुश हैं कि आज हमारे घर में बाइक आई हुई है। सर खुशी की बात है दोस्तों, यूट्यूब की कमाई से बाइक लेना। चलो एक्चुअली ये बाइक तो सेकेंड ही हैंड ली है और कोई नई बाइक नहीं है दोस्तों, कि इतना पैसा यूट्यूब से आया था कि समझ लीजिए 15,000 से 20,000 रुपए का एक आराम से सेकेंड हैंड बाइक ले सकते हैं फाइनली। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, तो चलो कुछ बोलना चाहती हूँ भाभी जी, देखते हैं क्या। आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहोगे तो फिर हम आगे नई बाइक ले आएंगे। बाय बाय।